नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रिवर शहर के बिछिया नदी में एक युवक का शव पानी में तैरता पाया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक की पहचान कर ली गई है और मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस युवक का शव बिछिया नदी में पाया गया है उसकी पहचान सनी साकेत निवासी महाजन टोला के रूप में की गई है। बताया गया है कि सनी दिमागी रूप से कमजोर था, जिसके चलते घर वाले उसे कहीं भी आने जाने नहीं देते थे। बीती रात्रि तकरीबन 9:30 बजे घर के सदस्य अस्पताल चले गए थे। इसी दौरान वह मौका पाकर घर से निकल आया और आज सुबह उसका शव बिछिया नदी में पाया गया है। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि सनी घर से बीहर नदी तक कैसे पहुंचा और पानी में डूबने से उसकी मौत कैसे हुई है। हम आपको बता दें, यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ही आज सुबह एक नवजात शिशु का शव पाया गया है। एक ही स्थान पर एक साथ दो शव मिलने के बाद अब इलाके में सन्नाटा खिंच गया है। मेरा नाम हीरा लाल साकेत है, ये मेरा माजिल भाई है सनी कुमार साकेत। ये कल 9:30 बजे करीब घर से निकला था, मानसिक से थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, बचपने से ही है, मतलब कुछ बोलता ही नहीं होगा, चला गया घर से। जब हम लोग थे नहीं, ये टट्टी के बहाने चला आया तो सोचे कि नहीं चला आएगा, तो होकर नहीं आया। फिर ढूंढने लगे, कल भी ढूंढे, सोचे आज ढूंढ रहे थे, सोचे कुछ देर में नहीं मिलेगा तो जाएंगे तो लिखाएंगे रिपोर्ट। पड़ा हुआ था, पहचान हो गई। हाँ, पहचान पीछे से हम चिन्ह गए ना, मेरा भाई है।